हेलो दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग लेकर नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है, हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड कंपनी कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों ये जो कंपनी है दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो आप लोग जब लोकेशन भी हरिद्वार प्लांट उत्तराखंड में रहने वाला। दोस्तों इसमें दोस्तों एक दो कैंपस प्लस वन नहीं लगाने के लिए, पूरी तीन कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों अलग अलग डेट पर अलग अलग कॉलेजों में दोस्तों कैंपस प्लस वन लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों तो कहाँ लगाई जा रही है दोस्तों, मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको बताऊँगा दोस्तों कि कौन सा डेट पर कौन से कॉलेज में लगाई जा रही है। दोस्तों इसमें दोस्तों सैलरी भी बहुत ही अच्छा आपको दिया जा रहा है। इसमें जो आपको सैलरी मिलने वाला दोस्तों 19,662 रुपया दोस्तों आपको इसमें सैलरी मिलने वाला। दोस्तों इसी में से आपका CTC वगैरह काटा जाएगा दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, और ये बहुत ही बड़ी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों इसमें दोस्तों ऑनली जो है उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों ये कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट दोस्तों इसमें भाग लेके जो पा सकते हैं दोस्तों। अदर स्टेट वाले इसमें नहीं भाग ले सकते हैं, तो जो जो उत्तर प्रदेश से दोस्तों वही केवल जाएगा, अदर स्टेट वाले को जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या जाए नीचे सारा कुछ दोस्तों मैं इसका ऑपरेशन ऑपरेशन के ऊपर डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग शुरू से एंड दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए, और इसके ऑपरेशन नोटिफिकेशन को दोस्तों शुरू से एंड देखिए, तभी दोस्तों आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कैंपस प्लेसमेंट में जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिलहाल चलते हैं इसके ऑपरेशन नोटिफिकेशन पर। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमने हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में लिखा हुआ दोस्तों, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो दोस्तों। ये जो कंपनी दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड में है दोस्तों, तो आप लोग जब लोग हरिद्वार प्लान उत्तराखंड में रहने वाला है। तो चलो दोस्तों हम नीचे चल कर देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो 10th+ ITI पास आउट स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, विथ रिलेवेंट ITI ट्रेड पास आउट ही भाग ले सकते हैं। तो जो ट्रेड दिया गया उसी ट्रेड के स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। इसमें NCVT SCVT दोनों भाग ले सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट ITI दोनों एलिजिबल है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो ITI ट्रेड दिया गया देख सकते हैं, ITI फिटर टर्नर वेल्डर मशीनिस्ट मोटर मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन ITI ट्रेड पास आउट स्टूडेंट दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो जो जो ट्रेड दिया हो दोस्तों उसी ट्रेड के स्टूडेंट इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों, अदर स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं दोस्तों। और अच्छे दोस्तों इसमें तीन कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों, एक नहीं तीन। यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से 26 वर्ष रखा गया, जिनका 18 से 26 वर्ष तक है वही केवल भाग ले सकते हैं। ना ही आपका 18 से कम होना चाहिए, 26 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। जेंडर की बात कर लेते हैं तो ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, ओनली दोस्तों इसमें जो है महिलाओं को ही लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई फीमेल कैंडिडेट को नहीं लिया जा रहा है सॉरी दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो जेंडर रखा गया यहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिख दिया गया ओनली दोस्तों जो है महिलाओं को ही लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई पुरुष कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। तो ओनली केवल जो है महिला ही उम्मीदवार इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेकर दोस्तों जॉब पा सकते हैं दोस्तों, कोई यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट को जाने का जरूरत नहीं दोस्तों। हाँ लेकिन पुरुष कैंडिडेट अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है किसी घर में अगर कोई महिला है ITI की है तो वो दोस्तों इसमें जाके जॉब पा सकती है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो फिक्स टाइम जो 1 ईयर के लिए आपको इसमें लिया जा रहा है दोस्तों, ओनली फ्रेश कैंडिडेट को इसमें लिया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं तो हरिद्वार उत्तराखंड प्लांट में आपको दिया जाएगा। सैलरी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको 19,662 रुपये आपको दिया जाएगा। इसी में आपको CTC वगैरह काटा जाता है, काट कुट का आपको हैंड सैलरी 13,666 रुपये मिलने वाला दोस्तों। उसके साथ PF PSI अदर बेनिफिट्स जो भी होगा दोस्तों आपको दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे बेनिफिट्स जो यहाँ पे फ्यूचर दो डिटेल्स अबाउट द जो स्ट्रक्चर विल बी प्रोवाइड टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट को आपको दिया जाएगा दोस्तों। जो भी फीचर होगा, फीचर में जो भी आपका मतलब बेनिफिट्स होगा वो सारा कुछ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैंटीन यूनिफॉर्म शूज मेडिकल इंश्योरेंस ये सब जॉब बेनिफिट्स आपको दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा वो रिज्यूम बायोडाटा आधार कार्ड पैन कार्ड 10-12 का मार्कशीट ITI का मार्कशीट फोटो चार का भी कलर वाला और इन सब डॉक्यूमेंट का फीचर्स को भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, ताकि दोस्तों वहाँ पे जाने बहुत कोई दिक्कत ना आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों नोट दिया गया ओनली उत्तर प्रदेश ऑल फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल इन दिस कैंपस प्लस वन, तो यहाँ पे साफ साफ दोस्तों लिख दिया गया केवल उत्तर प्रदेश से सभी महिला उम्मीदवार इस कैंपस प्लस वन में पात्र है दोस्तों। तो अदर स्टेट वाले नहीं जा सकते, ओनली दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश से जो भी महिला कैंडिडेट है दोस्तों वही केवल इसमें भाग लेकर जॉब पा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पहला कैंपस प्लस 9 नवम्बर को लगाई जा रही है, जो गवर्नमेंट ITI कानपुर जो पांडू नगर में लगाई जा रही है दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें दोस्तों मैं आपको बैनर भी दिखा देता हूँ, इसमें नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। जो कॉल करने का टाइम रहेगा उस सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप दोस्तों कॉल कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो मैंने नोटिफिकेशन बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ओनली फीमेल कैंडिडेट।
अब दोस्तों दूसरा कैंपस प्लस वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो लगाई जा रही है 10 नंबर को लगाई जा रही है, सुबह 7 बजे जाना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट आईटी रिवारी जो कंचनपुर जो आंचर रिवारी ईपी में लगाई जा रही है, मतलब ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में ही लगाई जा रही है दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एड्रेस को, इसका भी नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा दोस्तों। देख सकते हैं इस पर भी नंबर दिएगा, तो इस पर भी नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। टाइम सेम रहने वाला, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक दोस्तों। और दोस्तों जो तीसरा कैंपस प्लस वन देख सकते हैं वो 11 नवंबर को लगाई जा रही है दोस्तों, सुबह 9:30 बजे आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट अलीगंज लखनऊ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है दोस्तों। आप लोग वहीं पे जाना पड़ेगा 11 नवंबर को। इसका भी दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल बैनर दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों इस नंबर भी 3-3 नंबर दिए गए, तो इस नंबर पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। तो अलग अलग कॉलेज दोस्तों अलग अलग डेट पर लगाई जा रही है, तो बहुत ही बड़ी ये दोस्तों मान के चले कैंपस सिलेक्शन रोजगार मेला लगाने के लिए जा रही है दोस्तों हीरो कंपनी। तो जाए दोस्तों आप लोग इस कैंपस सिलेक्शन में भाग लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक दोस्तों ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों उनको भी इस कैंपस सिलेक्शन के बारे में पता चले। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।